आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जितने भी महान नेता थे उनके साथ उनको पूरा सहयोग देके जो टाटा जी ने, चाहे जमशेद जी टाटा हो, रतन जी टाटा हो, नवल टाटा हो, ये टाटा परिवार ने, टाटा समूह ने इतकं प्रचंड प्रमाणात काम केलेलं आहे, भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आणि स्वातंत्र्याच्या पुढे सुद्धा आज त्याने आपलं नाव टिकवलेलं आहे। भाई आज तक मैंने एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने टाटा कंपनी को, चाहे छोटे में हो चाहे बड़े में, एक बार उस समूह को, एक बार अगर वो जाते हैं उस कंपनी में, अगर वो भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद वो कंपनी रिटायर होने तक छोड़ते नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत कंपनी में, आज मैं रिलायंस में था, कल मैं और फलाना हूँ, कहीं निकला हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, लेकिन टाटा इंडस्ट्री ने आज तक अपना नाम, आज तक वही बरकरार रखा है, नंबर वन पे आज टाटा है। ये रवि साहब माझे गेले 20 वर्ष पासून जे मित्र आहेत त्यांना खरोखर धन्यवाद देतो। दोन गोष्टी मी प्रामुख्याने या मंडळात सांगू इच्छितो। पहिली गोष्ट म्हणजे के रवी साहेबांनी फार मोठा कार्यक्रम घेतलाय जो अजूनपर्यंत भारतामध्ये, सबका नाम लेना उनको आभार प्रदर्शन करना, तो मुझे एक रवि साहब के जो असिस्टेंट है वो दो तीन दिन से पीछे पड़े थे कि हमको कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम बोला क्या कार्यक्रम करना है, तो बोले टाटा जी का बर्थडे है तो उनके बर्थडे के माहौल पर हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं बोला टाटा जी का ही सत्कार करो। उन्होंने शायद कोशिश की पर टाटा जी यहाँ पर नहीं है और वो नहीं यहाँ पर, बट ये जो कार्यक्रम है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे, उनके कंपनी में तो होता होगा लेकिन सामाजिक स्तर पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, जिसमें से लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उनका एक पत्र पढ़ रहा था मैं कि स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी हैं आप लोग के सामने, मैं रवि साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि देखिए खुद के लिए तो हर इंसान जीता है पर दूसरों के लिए जी के दूसरों को खुशी दे वो नाम है रवि साहब, तालियां बजाइए इनके लिए। और रही बात टाटा साहब की, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पैदा होने से पहले ये सक्सेस थे, आज भी सक्सेस हैं, क्योंकि हमने जब आप खोली थी, जब थोड़ी समझ पकड़ी थी तो ये सुना था कि टाटा नाम की कोई हस्ती है हमारी दुनिया में, तो हमने पूछा क्या क्या होता है, तो हमें बताया गया कि सुई से लेके प्लेन तक, मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये टाटा नहीं बनाता है। पर उससे बड़ी बात उन्होंने ये की जो जीवन दान देने की टाटा हॉस्पिटल से, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे रवि साहब, हमारे दूसरे भाई साहब वगैरह के जो, तो मैं इन लोगों के लिए दुआओं के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए अल्लाह ताला से एक गुजारिश करता हूं कि आप लोगों की सबकी परेशानियां दूर हो, हम आपको मोहब्बत मतलब दिल से करते हैं और आपके लिए दुआ अल्लाह से मांगते हैं। तो मैं अपने म्यूजिक के जरिए आप लोगों की वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कलाकार हूं, भाषा तो जानता नहीं हूं, गाना जरूर जानता हूं, मैं अपनी फिल्म के गाने सुनाता हूं आपको। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक। तो मैं चाहता हूं कि मेरे अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि मुझे अल्लाह ताला हमारे रवि साहब को इतना दे कि आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दे कि आप लोग हमेशा हंसते रहे, खुश रहे। और खास करके मैं अली साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो सोशल मीडिया में आना जाना मुझे सिखाने वाले मेरे भाइयों हैं, तो इनके लिए, आप सबके लिए एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि टाटा साहब को जन्मदिन की मुबारक भी दे दूं, ये रतन टाटा जी के लिए है। होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। रतन टाटा जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन टाटा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। और बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप सब खुश रहें,
आबाद रहें, और रवि साहब को दुआएं दीजिए कि ये ऐसे ही सबकी खिदमत करते रहें। थैंक यू। ये मैं फिल्मों में हीरो बन गया था, बिहार से विलेन बन गया। रामादान मोले हमारे सामने हैं और पुराने साथी हैं, इन्होंने उस जमाने में हमारी तस्वीरें छापी जब मैं कुछ नहीं था। तो फिल्मों में रोल खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छा हूँ, इसकी पूरी गारंटी। मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, कुछ फैसले में ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। आज टाटा रतन जी का बर्थडे है, मैं उनको विश करता हूँ। जैसे कि दिलीप भाई ने कहा, नलिन जी ने कहा, उनके बारे में बहुत कुछ होता है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत महान शख्सियत है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आज उनका बर्थडे है। बचपन से हम लोग टाटा का नाम सुनते आए, टाटा रतन जी का नाम सुनते आए थे, आज उनके बर्थडे में शामिल हुए। रवि जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इनके हर फंक्शन में मैं आता हूँ, और ये अक्सर हमें कंबल बांटने के लिए टाटा हॉस्पिटल के सामने ये हमेशा बुलाते हैं। मैं और मेरा बेटा फैयाज, जो आजकल डायरेक्शन दे रहा, हम दोनों इनके साथ कहने से खाना मिला के चलते हैं। और मैं दिलीप भाई का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 105 डिग्री बुखार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चलना है अली भाई, और आप आएंगे तो सारी बुखार रास्ते में खत्म हो जाएगी। और अखिलेश जी का तो थैंक यू सो मच, सारी मीडिया का, आप सब लोग आए यहाँ पे, हमारी माँ बहने जिनको है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी फैमिली में दो लोगों को खोया है, बड़े भैया को 2 साल पहले और छोटी बहन को कैंसर से। तब से ये 3रा साल है मैं कैंसर, जो हमारी एक संस्था यहाँ भाईकलम में, मैं उसका ट्रस्टी हूँ, और जितनी मदद हो सकती है वो मैं करता हूँ, और ये सब कुछ सीखा हूँ रवि जी से। उन्होंने कहा था कि अली भाई फिल्मों में करो, आपने बहुत कुछ किया, आप कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ करो कि लोग आपको याद करें। और ये वाकई सच्चाई है कि आप किसी एक पेशेंट के लिए मदद करते हो, तो ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं मेरी शुरुआत फिल्म खुदा गवाह से हुई थी, उसके बाद सर फरोज कोहराम, 100 से 100 फिल्मों में विलेन काम किया और करता रहा, करता रहूँगा। लेकिन आज ये सब आप लोगों की जो खिदमत करके, मेहनत करके, और आप लोगों का जो सपोर्ट करता हूँ, उसमें जो खुशी मिलती है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप सब लोग जितने भी डैश में हमारे बैठे हैं, सबका शुक्रिया, और ख़ास करके मीडिया का, कि आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें आगे दिखाई जाती है, बताई जाती है, अवेयरनेस आता है। और आप फिक्र न करें, कैंसर कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी तो है, लेकिन उसका इलाज भी है, और आजकल बहुत अच्छा अच्छा इलाज हो गया है। इंशाल्लाह आप में से जो भी पेशेंट है वो ठीक होंगे, और बस रवि जी मालिक आपको लंबी उम्र दे और ऐसे नए काम करते रहें। अभी हम और दिलीप भाई एक पेशेंट को ले गए डॉक्टर के यहाँ, परसों की बात है। तो पेशेंट क्या जरा ड्रिंक ज़्यादा करते थे, डॉक्टर चेक कर रहे थे सांस को जोर से आला लगा के, तो लेफ्ट साइड में कफ बहुत था। डॉक्टर ने पूछा पेशेंट से, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि पीते हो, पेशेंट ने कहा कि मंगवाइए। ये तो हालत है, चलिए हो सकता है कि नहीं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। And thanks to everybody, that's such an early morning, and of course now coming to the afternoon time, everybody has come here, taken out time for the great, great cause. And first of all, I would like to thank K. Ravi ji. Thank you for arranging such a wonderful program. I mean, it is really insightful time, and I take this opportunity to wish Dr. Tata ji a very, very happy birthday, a great industrialist, and as Madam correctly said, that a man with a heart of gold. I would like to introduce myself over here. I am Dr. Surena Rane Malhotra. I am the Jilladhyaksha of Nationalist Congress Party, Mumbai Manila, as well as Dr. Sen. And I also have my NGO, Dr. Subhash Rane Malhotra Foundation. As well as I do have a stint with Film Line also. I'm the creative director and a scriptwriter in films. Okay, so I take this opportunity to discuss a very important thing. First of all, Ratan Tata ji, as you know, has contributed a lot for in the field of cancer. See, it is very important. There is Tata Memorial Hospital as well as there is a research center. ये जो research center है, ये भी बहुत important है. कि कैंसर की बीमारी ऐसी है कि यहाँ पे नए नए शोध करना इम्पोर्टेंट होता है, और इन्होंने रिसर्च में इतना फंड किया हुआ है, और इसमें रिसर्च जो होता जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मैं यहाँ एक बात कहूंगी कि मराठी मध्ये पण बोलते पण मराठी असतील इकडे एक सांगू इच्छिते की कॅन्सर जसं आता नवीन नवीन मेडिकेशन वगैरे आलेले आहे तर त्याच्यामध्ये आपण फाईट तर करू शकतो पण ह्याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे की माणसांनी अर्ली साईन्स ऑफ कॅन्सर हे ओळखणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे आणि ह्या गोष्टीसाठी आम्ही एनसीपीच्या तर्फे म्हणा किंवा आमच्या फाउंडेशनच्या तर्फे म्हणा बरेचसे आम्ही प्रोग्राम्स करतो लोकांना कॅन्सरच्या अर्ली साईन्सचे अवेअरनेस करून देतो आणि मी यांना हेच अखिलेश जी आहेत इकडचे सगळे पॅनलवरचे मेंबर्स आहेत त्यांना सगळ्यांना एकच विनंती करेन की असे कॅम्प्स तुम्ही ठेवा की ज्याच्यामध्ये इंडिया लिंक माध्यम से मैं सबसे पहले टाटा रतन जी को उनके बर्थडे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मालिक ने उनको बहुत कुछ नवाजा है लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते आए हैं, ख़ास करके जो कैंसर टाटा के लिए जो उन्होंने काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो आज एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज बहुत सारे लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और इतना अच्छा हॉस्पिटल जो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें इतना अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद इस चीज़ का भी दूंगा। दूसरी बात के रवि जी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, आप लोगों के माध्यम से सारे मीडिया के लोग यहाँ पे आए, टाटा रतन जी का केक हम सब ने काटा, दिलीप भाई आए, हम सब लोग आए और जो कैंसर पीड़ित हैं उनको कुछ गिफ्ट दिए गए, कुछ अभी कंबल दिए जाएंगे, शॉल दिए जाएंगे और उनकी मदद के लिए जो काम हो सकता है रवि जी के माध्यम से हम सब लोग हाजिर हैं, जो मदद होगी करते आए करते रहेंगे। लंबा अरसा भी रहा आपका ऐसे कोलैबोरेशन कैंसर पीड़ित लोगों के साथ जुड़े रहे, आप मदद भी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे फील करते हैं जब ऐसे कैंसर? देखिए 3 साल पहले मेरे बड़ी छोटी सिस्टर की मौत हुई, 2 साल पहले बड़े भैया की डेथ हुई इसी कैंसर पीड़ित से। क्योंकि हम लोग बिहार से एक बहुत छोटे से गांव से हैं, वहाँ जल्दी पता नहीं चलता है कि कैंसर किस स्टेज पे पहुँचा है। जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर मैडम ने बताया कि आप छोटे से छोटा भी कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर्स इतने अंधेरे में रख देते हैं कि नहीं इनको टाइफाइड है, इनको मलेरिया है, उस वजह से बुखार आ रही है। लेकिन बुखार आने का सबसे पहला जो मेरे हिसाब से टेस्ट होना चाहिए वो कैंसर का। हमें पता तब चलता है जब हम थर्ड स्टेज पे होते हैं, लास्ट स्टेज पे होते हैं। और यही वजह है कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था से कैंसर में जुड़ गया हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को हाईली ट्रीटमेंट के लिए करता हूँ और महीने में 1 से 2 बार मैं टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ। रवि जी के साथ, के रवि जी के साथ हम लोग कंबल बांटते हैं, जो टाटा हॉस्पिटल के बाहर जो गरीब लोग जो ऐसी ठंडी में ठिठुरते रहते हैं, हम लोग जाके कंबले बांटते हैं, उनका हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उनकी जो मदद हो सकती है कैंसर के लिए डॉक्टरों से हम लोग बात करते हैं। दिलीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे साथ? जैसे अली साहब ने सब कह दिया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टाटा जी के जन्मदिन पे हम लोग सब जो मिले हैं यहाँ पे मीडिया के साथ, रवि साहब ने जो हम लोगों को बुलाया, अली साहब हैं, अखिलेश जी ये सब हैं, और ख़ास बात मैंने देखी कि देखिए जो हमारे कैंसरों का मसीहा बने टाटा जी, आज वो बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ मिल के ये बर्थडे मनाया। तो मैं सबसे पहले तो टाटा जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और इन बच्चों के लिए इतना ही कहूँगा अल्लाह ताला से कि बेटे लोग आप लोग टेंशन मत लो, तो अल्लाह बड़ा बादशाह है, भगवान बहुत बड़ा है, आपकी बीमारी छू हो जाएगी क्योंकि इतनी दुआएं आप लोगों के साथ है और रवि साहब जैसे जो इतना बड़ा फंक्शन लेके चल रहे हैं और उनके साथ में इतना मीडिया है, अखिलेश जी हैं, बाकी यहाँ तमाम जो बैठे हुए हैं, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि कलाकार होने के नाते हम अल्लाह ताला से दुआ के अलावा ये भी मांगते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत लगेगी, अखिलेश जी रवि साहब जब बुलाएंगे हम आप लोगों की खिदमत में आएंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरी टीम इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से मैं स्पेशली आपका थैंक्स करता हूँ। यहाँ पर सभी तरह के अलग अलग विभिन्न विचारों के लोग जमा हैं, हमारे बंधु हैं, कैंसर पीड़ित बहनें हैं, बच्चे हैं, किड्स हैं, ये भी हमारे लिए अनमोल समय निकाल के यहाँ पर आए। देखिए हम लोग जो कुछ करते हैं इंसान इंसानियत की भांति कोई मेहरबानी नहीं करता। कुछ लोगों को होता है कि एक अलग सा कीड़ा पैदा होता है कुछ लोगों के शरीर में होता है, वो कुछ अलग सा कर दिखाता है क्योंकि कुदरत ने उसको उसने बनाया हुआ होता है। शायद हमारे अंदर वो कीड़ा होगा कि हम इस तरीके की सोच रखते हैं,
पर ये सोच बनाना भी बहुत बड़ी बात है। कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ आज हम लोग हमारे आदरणीय रतन टाटा जी का बर्थडे मना रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पूरे हमारे पहली मरतबा हो रहा है। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, मेरी टीम जो इंडिया मेडलिंग इवेंट्स मैनेजमेंट था, पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे। कोई भी चीज आसान नहीं होती है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ बोना पड़ता है तब जाके हासिल होता है। अब 3 साल बाद आज हमको इसमें सफलता मिली कि हम कम से कम आप सबकी मौजूदगी में रतन टाटा जी का बर्थडे यहाँ मना रहे हैं। हमें पता नहीं उन्हें ये चीज कैसे लगेगी। इतने सारे टाटा के कर्मचारी हैं, इतने सारे टाटा के अफसर हैं, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उनके यहाँ काम करते हैं। ये चीज उनके किसी के मन में क्यों नहीं कर दिया कि हम हमारे बॉस का बर्थडे मनाएं? या हमारे देश में विभिन्न तरह के नेताओं के, अभिनेताओं के, समाज सेवकों के, अभी तो क्रिकेटर लोगों के भी बर्थडे मनाए जाते हैं, पर किसी के जहन में बात क्यों नहीं आएगी भाई जिस इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने हमारे देश के अंदर अपना पैसा लगाया आज से 150-200 साल पहले, और उसमें आम लोगों को नौकरियां दी, जिसकी जैसी पढ़ाई लिखाई, जिसकी जैसी कला थी, वैसे उसको नौकरी मिली। यहां तक कि वो नौकरियां मिली कि रिटायर्ड होने तक उनको प्राइवेट एंड फाइनेंस सर्विस मिलती रही, पेंशन मिलती रही। सरकारी अपनी तो तरफ से चलाती रहती है, चलता रहता है, पर निजी लोग जो है जिनमें सबसे ऊंचा नाम है आदरणीय रतन टाटा जी का, मतलब टाटा फैमिली। उनके पिताजी के पिताजी नवोजी टाटा, रतन टाटा के पिताजी नवल टाटा। रतन टाटा जी तो अडॉप्ट है, लेकिन उनके पिताजी है ना नवल टाटा जो कुछ। इन सब लोगों ने जो विभिन्न तरीके की इंडस्ट्री हमारे देश में बसाई, उसमें करोड़ों लोग काम करते आए। एक परिवार के पीछे 5 बच्चे होते, 5 लोग होते, सबका पेट रतन टाटा जैसे लोगों की मेहरबानी से भरता है। बट नॉट ओनली फॉर रतन टाटा, हमारे यहाँ अजीम प्रेमी जैसे शख्सियत है, हमारे यहाँ सुधा मूर्ति जैसी शख्सियत है, हमारे यहाँ गोदरेज जैसे शख्सियत है, हमारे यहाँ किर्लोस्कर जैसे शख्सियत है, हमारे यहाँ मिस्टर गायकवाड़ जैसी शख्सियत है। आम लोगों में भी कुछ इंडस्ट्रियल ऐसे हैं कि जो एक कारखाना बना के बैठे 100 लोगों का पेट पाल रहे। देखिए कोई भी देश लीजिए आप, कोई भी देश वर्ल्ड का, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है तो लोग चले गए थे, पेट नहीं भरेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट है तब हम लोग रोजी रोटी चला रहे। अब मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, मैं हेलीकॉप्टर किराए पर देता हूँ, मैं उसी के अंदर काफी कुछ करता हूँ। यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने अभी नया शुरू किया है, हम लोगों ने मट्टी बेचना भी शुरू किया है। सोना गोल्ड डायमंड हम लोग अक्सर बेचते हैं, हम लोग मट्टी नहीं बेच रहे, क्योंकि वो मट्टी बेचने से अगर हमारे 100 लोगों का पेट भर जाता है तो भी एक इंडस्ट्रीज बन जाए। ये हमें किसने सिखाया? मेरे दादा परदादा तो इंडस्ट्रीलिस्ट नहीं थे, पर हम रतन टाटा जैसे लोगों से सीखे कि भाई इंडस्ट्रीलिस्ट कौन। जैसे मैंने मेरे स्पीच में काफी मरतबा कहा कि भाई हम पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे होके बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर गए, अच्छा काम करने लगे, समाज में रुतबा कमाने लगे, हमारे बाप अपने हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, हमारे प्राध्यापकों ने, हमारे टीचरों ने हमको बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप एक्टर बनो। मैं डांसर था मुंबई शहर में, अच्छा खासा डांसर, मेरा बहुत फेमस नाम था, मैं तो ऑलराउंडर वो अलग बात है, लेकिन ऐसे मेरे से काफी लोग हैं बैंक बिजनेस में। लेकिन हमारे प्रोफेसरों ने, हमारे पापा अपने सब बनना सिखाया, पर हमको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना अभी तक नहीं सिखाया। हमारी हिस्ट्री में कहीं ये बात नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक निकाल के खोज कर देखिए, उसमें भी कभी किसी प्रोफेसर ने किसी वर्ड के ऐसे नहीं बोला कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। रतन टाटा जी खुद को भी कभी बिजनेसमैन नहीं मानते, वो खुद को वर्कर मानते। वर्करों के साथ आम आदमी में बैठ के ऐसे टेबल पे, सिट पर टेबल के ऊपर बैठ के वो खाना खाते और खुद का बर्थडे वो भी नहीं बनाते। उद्धव जी ठाकरे जी ने नया काम, नया आम, अच्छा सामान, हर नई सोच, नई नए विचार लोगों में एक बदलाव लाती। मैं आज उनको आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा
कि भाई कम से कम बाहर स्टेट से ऐसी बातें सामने गुजर कर आई वो कैबिनेट में पास हो जाए कि हमारे मुंबई शहर में महाराष्ट्र में जिन जिन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने आम आदमी की रोजी रोटी बनाई है उनका बर्थडे सरकार मनाए, उनका बर्थडे सरकार। मुझे पता नहीं ये बात मोदी जी तक पहुंचे तो मोदी भी मनाए, ये क्या प्रॉब्लम। हम तो मोदी जी का बर्थडे मनाते, हम मुख्यमंत्री का मनाते, गली कुछों के लोग जब आप बैनर होल्डिंग लगा के अपने अपने बर्थडे मनाते, सारा कार्यकर्ता। पर कार्य कैसा होना चाहिए आपका? बर्थडे बनाने से कार्य होता है, बर्थडे इन लोगों का बना जिनकी जरूरत है, जो समाज है। कल हमारा मैसेज हमारे टीम के माध्यम से आदरणीय रतन टाटा जी तक पहुंच गए, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हमारे टीम वर्क के डॉक्टर विजय सानव, हमारे नंदू कमरे, राहुल रवि, ये रतन टाटा जी के पास गए थे। दुर्भाग्यवश को मिल नहीं पाए, पर उनकी शैला नाम की सेक्रेटरी है, उन्होंने उस गिफ्ट को देखा, उस ग्रीटिंग को देखा। वर्ल्ड में पहला ऐसा ग्रीटिंग हमने रतन टाटा जी को भेजा जो किसी ने आज तक नहीं भेजा था, ऐसा अप्रिशिएट हुआ। हो सकता है हमें फ्यूचर में उनका आशीर्वाद भी मिले, हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें जरूरत है। आशीर्वाद के भाती तो चीज है। ये मेरे मित्र हैं दिनियार तीरंदाज, इनके बड़े भाई थे उत्सव तीरंदाज, मेरे गुरु थे। पारसी लोगों का एक नेचर जो होता है ना, नेचर बहुत ही हेल्पफुल है, खाली आप उनके दिल में बैठना चाहिए। तो रुस्तम तीरंदाज ऐसा शख्स था, मतलब मेरे गुरु, मेरे पॉलिटिकल गुरु। मैं 1984 में एमएलए नहीं मिनिस्टर बन गया, तो मेरे दोस्त बैठे उत्तम गायकवाड़, बड़ा सोशल वर्कर आदमी मेरा दोस्त है बचपन का, फिर उत्तम गायकवाड़ मेरे साथ ही रहे, उनको पता है 85 में मैं खुद एमएलए नहीं मिनिस्टर बन गया था बीजेपी के। पर मेरे सोशल विचार थे, मैं रुस्तम तीरंदाज से सिर्फ जुड़ा रहा, पर मेरे जो जो कार्यक्रम रहे वे आते रहे, मुझे आशीर्वाद देते रहे। तब मैंने पारसियों को जाना कि दिनियार तीरंदाज क्या है, ये एक्टर है पर ये मन में सोशल वर्कर, इनके पड़े वो गुजर गया हमसे, बहुत जल्दी छूट गया हमारी दुनिया से। उनके घर में भी काफी बड़ी ट्रेजेडी, पर हम जहां भी रहते रुस्तम तीरंदाज को याद किया। तो पारसी लोग दिल के बड़े साफ होते, पारसी लोगों की संख्या हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, पर काम देखो रतन टाटा, काम देखो गोदरेज, काम देखिए वाड़िया, लेकिन नाम ये देखिए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्होंने क्या नहीं बोया हमारे लिए, आम लोग। और हम अपना बर्थडे ताज में मनाते, अरे इनका मन लोगों को खिलाओ, खिलाओ की सेवा करो, तब मजा आएगा। और आज मुझे सचमुच स्पेशली हैदराबाद से आए, ये मुंबई में नहीं है, उनको उनको हार्ट को लगा कि चीज है अपना कीर्ति बक्स, ये बहुत बिजी चेक किया था। ये अभिनेत्री है रिंकू रोमित कौर, उनका मैंने नाम रखा है, ये लंदन से आई हुई। मैंने बोला मुझे पता नहीं तुम मुझे मुंबई में नहीं पहुंचे, ये लंदन गई थी, लंदन से आई। ये मिलिंद येवलकर मेरा बचपन का दोस्त है, इज अ सोशल वर्कर एनसीपी से, बट सोशल टच हमारा साथ है। ऐसे काफी लोगों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से ये चीज बनती है, और हर बनती चीज को आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है। मैंने आज से करीबन 17-18 साल पहले 222 कैंसर पीड़ित बच्चों को मुंबई दर्शन हेलीकॉप्टर से फ्री ऑफ चार्ज करवाया, 222 बच्चों कैंसर पीड़ित बच्चों, उसमें मैंने काफी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को बुलाया हुआ था। एक बच्चों को TV9 के रिपोर्टर ने पूछा कि बच्चा तुम हेलीकॉप्टर से घूम के आए भाई, तुमको कैसे लगा? तो बच्चे दो थे वहां, दोनों भी मुस्लिम थे, स्पेशली दोनों बच्चे मुस्लिम थे, तो बच्चा क्या नाम सिखा के लाया होगा ऐसे लग रहा था। बच्चे ने बोला देखिए भाई साहब, मेरा तो जिंदगी मुझे खुद को पता नहीं आज है या कल नहीं, हमारा जैसे का जिंदगी, अगर मैं बड़ा भी बन जाता पकड़ के छोड़ो, मैं बहुत पैसे वाला भी बन जाता तो हो सकता मैं लंदन अमेरिका हवाई जहाज से घूम के आ सकता मेरे पैसे से, पर हेलीकॉप्टर से घूमना हम जैसे लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का बस का काम नहीं, क्योंकि वो VIP लोगों के लिए होता है। और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने बर्तन मांजने वाली घर के अंदर लेडीज को भी माँ बहन समझ कर उनको भी फ्री ऑफ चार्ज मुंबई दर्शन हेलीकॉप्टर से करवाया, क्योंकि तो मैंने ये जताया कि भले कितने भी पैसे वाले लोग हो इस हिंदुस्तान में, वही हेलीकॉप्टर से घूमना क्या जरूरी है, क्या मेरे आम लोग भी हेलीकॉप्टर से घूमे। और पहले मैंने उनको घुमाया, ये काम मैं 20 साल से करता आया हूं।
लास्ट 20 इयर्स, तो कोई मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। कीड़ा है, उसने दिया है कीड़ा है, वो बता रहा है कि भाई ये तेरे लिए। जैसे हमारे मित्र शांति डोरसिया बैठे, बहुत समाज सेवा करते, आम लोगों में रहते, गरीब लोगों में रहते, उनको दलितों का समाज सेवा का कीड़ा है। दीदी तो 100 गालियां देती हो, देती है, हमारे में वैसा होता ही है, कीड़े बनते रहो, घर पे बनते रहो, क्योंकि वो समाज के अंदर ही रहने वाला आदमी है, घर ना देखे, लेकिन फिर भी वो घर देख के, बीवी बच्चे देख के अपनी जिंदगी संवारे। लेकिन जो लोग पागल होते हैं, वो पागलों की तरह था, और ये पागलपन हमारे अंदर पनप जाता है, कुदरतन पनपता है। मैं टिपिकल मराठी हूँ, बट मैं तेरा लैंग्वेज बोलता हूँ, घर में बैठ के बोलता हूँ क्या? नहीं, मैंने दुनिया देखी, आदमी देखी, मैं फिल्म लाइन में फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर किराए पर देता हूँ, पर अगर मैं किसी को एक निवारा नहीं खिलाता तो इन सब का मतलब क्या है? मैं तो बहुत पेट भर के खाता हूँ, पर ये निवारा खिलाने वाली बात मुझे आप जैसे लोगों ने सिखाई। मैंने मेरा मेरा का कोई गुरु है, जैसे मैंने कहा दिनिया सिकंदराज के बड़े भाई, वो मेरे पॉलिटिकल गुरु, पर मेरी जिंदगी के गुरु जो है वो मेरा पर्सनल निजी अनुभव, और मैंने पढ़ी हुई किताब। अगर मैं सोशल वर्कर नहीं होता तो मैं आईएएस ऑफिसर रहता, पर आज बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर मेरे एक फोन से खाली जिधर बोला उधर आगे बढ़ जाते, खाली एक फोन डोंट ऐसे काफी लोगों को पता है आप बताए, क्योंकि मैंने वो चीजें बना के रखी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है, मैं अकेला इन सारी चीजों का सारी चीजों का कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर विजय साधक में मेरा भाई है, छोटा भाई, डॉक्टर ही करता है लेकिन समाज सेवा ज्यादा करता है। वो सिकंदर भी वो बोलेगा ये डालो वो डालो वो डालो, अपना पेट मेरा पेट सुधारने का काम उसने किया है। तो ऐसे भी लोग हमारे लिए जरूरी है कि समाज में कुछ तो देते हैं, अपने कम से पैसा नहीं दे सकता आदमी, ज्ञान तो देता है, ये ज्ञान बांटा देखो इन दोनों, ये भी डॉक्टर, इन्होंने ज्ञान बांटा और ज्ञान की कीमत नहीं होती। तो आप सब जो लोग यहाँ बैठे, ये सबका इस सारे इवेंट के अंदर, इन जैसे कार्यक्रम के अंदर तहे दिल से आशीर्वाद रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब जाके कोई एक चीज न्यू करती है और अच्छी बनती है। और आज से हम आने वाले हर साल अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का बर्थडे मनाएंगे। आज हमने टाटा जी का मनाया, अगले साल शायद हम सुधा मूर्ति का मनाया, अजीम प्रेम जी का मनाया, जिनका बर्थडे पहले आए। हमें इतने गवर्नर बोर्ड ने किसी आपको किसी ने पूछा आपका मतलब क्या है, मैंने कहा इवेंट में आपको पता चले हमारा कोई मतलब नहीं। मुझे दिनिया के रत्ता जानते बचपन से, रत्ता टाटा नहीं जानते ना, वो मेरे रिश्तेदार है ना, मेरा दूरतर तक उनसे कोई संबंध है, लेकिन कल बर्थडे, आज बर्थडे इसलिए कल मैंने उनको ग्रीटिंग जरूर दिया, वो हमारी पहचान हो, मैं नहीं गया लेकिन उन तक पहुँच गया। हमें बेसिक हो सकता है अगर कल को हम और ज्यादा आगे चले, और अभी अभी मैंने मीडिया के माध्यम से जो मुख्यमंत्री को आह्वान किया, विनती की है, अभी हम लोग बात कर चुके मिलिंद और हम लोग कि हम एक डेलीगेट्स बना दे और मुख्यमंत्री को जाके हमारी जो मांगे है हेल्थ के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, लोगों के लिए, वो हम जाके नई मांग उनसे कर, ये सोच पनपती है, ये सोच पैदा होती है मिलने से, बोलने से। तो अगर हमने मांगा हुआ आज के मुख्यमंत्री से हमें मिल गया, तो हर साल इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे इसी तरीके से मनाया जाएगा, और हम हर साल मनाते रहेंगे, हम रहे या न रहे, आवाम इसको जरूर मनाए। इसलिए इस कार्यक्रम को जिन जिन लोगों ने अपना अनमोल वक्त दिया, अपने बहुत ही साफ सुथरे पाक विचार रखे, मैंने तो 2 दिन में इवेंट खड़ा किया है, क्योंकि मैं भी टूर के ऊपर था, आया, और मेरा ऐसा ही काम है, तो चलता पूजा टाइप का काम, मैंने टीम को जमा किया। कुछ लोग तो बोले होगा ही नहीं, हमने कहा यार हम लोग 12 घंटे में इवेंट बनाते करोड़ों रुपया की, ये तो छोटी चीज, और आज आप सबके आशीर्वाद से इवेंट सफल हुआ, आप सब यहाँ आए, आपका कीमती वक्त दिया, आपने विचार रखे, सभी अलग अलग धरती के सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े बड़े अहदे के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, स्पेशली दिनियार की तबीयत खराब है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा पारसी बनता, क्योंकि रतन टाटा जी पारसी है, तो मेरा घर का बनता है और मेरे परिवार का आदमी, तो बेचारा तबीयत खराब थी, वो आज अपने बीच में रह गए। तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ एडवाइस जो है वो हमें मिलती रहेगी। मैत्री राय जा रहा है, यहाँ बैठी है मेरी सहेली, फिल्म एक्टर है,
वो भी ऑलरेडी बिजी थी पर रात को उसे लेट बात हो गई वो यहाँ पहुंच, क्योंकि ये होता है प्यार, वो इस सब्जेक्ट के लिए आई, इस चीज के लिए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। मेरा रमाकांत मुंडे है, मेरा बंधु है, मीडिया में 25 साल से काम कर रहा है और आपको 4 बजे तक मेरे साथ लाइव था, सुबह यहाँ पहुंच गया। अखिलेश है, सारी टीम लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पत्रकार संघ के अध्यक्ष है पांचाल जी, वो यहाँ बैठे थे। जयराम रमेश जी यहाँ पर बैठे, जयराम सावंत जी पत्रकार हैं। ये ऑलरेडी बिजी लोग हैं, इनके इनके खेमे। साल से उम्र से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। समाज में विभिन्न तरीके की सेवाएं होती है और हम करते आए विभिन्न विषय को लेके, विभिन्न समाज को, विभिन्न प्रदेश को लेके, शहर को लेके, देश में हर जगह हमने काम किया है। पर जब से मैंने 20 साल पहले इवेंट कंपनी खोली, तो इवेंट का मतलब ये होता है कि आपको बहुत पैसा और नाम कमाना है। इवेंट का मीनिंग ही हुआ है एक इवेंट, मतलब चकाचौंध वाली चीज़ होती है। 20 साल पुरानी मेरी एक रजिस्टर कंपनी है, मैंने सोचा क्यों ना इवेंट के अंदर समाज सेवा की जाए। तो आज 20 साल से हम लोग अलग 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 विषयों के ऊपर पैसे न कमाते, सिर्फ समाज सेवा करते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं ये सोच रहा था कि भाई पॉलिटिशियन लोगों के बर्थडे बनते हैं, बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, क्रिकेटर लोगों के मनाए जा रहे हो, मैं तो कई फिल्म स्टार लोगों के बर्थडे में अक्सर रहता हूँ, तो क्यों ना हम ऐसा बर्थडे मनाएं कि जो बर्थडे हमारे देश के इकोनॉमिस्ट वाले लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने रोजी रोटी के माध्यम से आम आदमी के लिए फैक्ट्री वगैरह डाल के, मिले वगैरह डाल के लोगों को एक नए मुकाम के ऊपर, अच्छे मुकाम के ऊपर ला के खड़ा किया। तो हमारा मुंबई शहर पूरे देश में आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई इस आर्थिक राजधानी में जिन्होंने मिले बनाई एक ज़माने में, जिन्होंने फैक्ट्रियाज बनाई एक ज़माने में, इनमें से कौन कौन लोग हैं, तो इनमें से काफ़ी अच्छे अच्छे नाम मेरे सामने आए। सबसे बड़ा नाम आया टाटा ग्रुप।
टाटा ग्रुप के नेवल टाटा तो अभी रहे नहीं है, नवरोजी टाटा जी थे वो रहे नहीं, उनके ज़माने से इंडस्ट्रियल शुरू हुई, बट रतन टाटा जी आज हमारे पास है, डाउन टू अर्थ शख्सियत है, सीधे सिंपल रहे थे और आम आदमी के अंदर बीच वो अपने आप को दिखा, खुद को स्थापित करते हैं। इतना बड़ा शख्स इतना आम रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना कि आने वाला दिन रतन टाटा जी का बर्थडे सामाजिक तौर के ऊपर मनाया जाए। हमारा देश ही नहीं, कोई भी कंट्री का देश आप लीजिएगा कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल्स का बर्थडे नहीं मनाया जाता, ना किसी ने मनाया, हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं मनाया। तो हमने सोचा कि नहीं, हम रतन टाटा जी के बर्थडे से शुरुआत करेंगे और हर आने वाले साल में जिस जिस अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल्स का बर्थडे आएगा वो हमें इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट के नाम से मनाएंगे। बट कोई भी चीज़ बनाते हुए अकेले सोच से नहीं चलता है, मेरा काम ही सामाजिक रहा है, तो मैं सबके ओपिनियन लेता हूँ, सबको इकट्ठा करता हूँ और ये इवेंट सौभाग्यवश हमने दो दिन में स्टैंड किया है और इतना अच्छा स्टैंड किया कि आप सबके आशीर्वाद से आज ये इवेंट यहाँ सफल हुआ। सौभाग्यवश ये कल को टाटा ग्रुप तक पहुँचता है या रतन टाटा जी तक पहुँचता है, हमारा बेस्ट विशेष तो कल उनके पास गया, उनकी सेक्रेटरी शाहनाज मैडम के पास गया, उन्होंने अच्छा आशीर्वाद दिया हमें, उनके पायलट से भी मेरी बात हो गई सर्वे करके है, उन्होंने ही बताया कि साहब सुबह के मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, साहब ऑलरेडी फिक्स है उनके कार्यक्रम में, वो चेंज नहीं करते किसी चीज़ को। हमने कहा भाई वो आए आना है, उनका ब्लेसिंग हमारे साथ रहे, क्योंकि रतन टाटा आए और बर्थडे मनाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो दुनिया के किसी के कोने में रहे, हम बाबा साहब का बर्थडे मनाते, हम शिवाजी महाराज का बर्थडे मनाए, वो हमारे साथ है क्या नहीं है ना, पर वो इतिहास बना के गए, ये हमारे साथ है, हमसे जुड़ेंगे आज नहीं तो कल, हमें आशीर्वाद देंगे और हम इसी चीज़ को आगे सोशल थीम लेकर सामाजिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए आज यहाँ हमने कैंसर पीड़ित बच्चों को बुलाया है, यंग लेडीज लड़की लोग हैं उनको भी कैंसर है, कुछ एजेड लोग हैं उनको भी कैंसर है, पर वो कैंसर से पीड़ित है, हमने अपनी तरह से जो उनकी सेवा करनी थी करने का सफल प्रयास किया है और उस सफलता में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेरे सारे दोस्त मित्र जो समाज सेवक हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं इनका बड़ा योगदान है और उस योगदान से आज हम यहाँ सफल हुए। मैं आवाम के जरिए, सारे हिंदुस्तान की आवाम के जरिए, स्पेशली महाराष्ट्र सरकार के नए मुख्यमंत्री, मैं उनको अभिमान से बोलूंगा कि काफी सालों बाद हमारे महाराष्ट्र को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला, देखो ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी सालों बाद हमारे महाराष्ट्र को एक लंदन रिटर्न पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला है, ये सोच अच्छे रखने वाले मुख्यमंत्री है, ऐसे मुख्यमंत्री को हम आह्वान करेंगे कि कम से कम हमारे राज्य सरकार के माध्यम से आप ये डिक्लेयर कर दो कि आने वाले दिनों में हमारे मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य के जो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया आज भी दे रहे हैं, देश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका बर्थडे सरकार भी मनाए। चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे दादा कि कितने पेशेंट आज इस शिविर में भाग लिए, इस क्या-क्या उनको बेनिफिट दिया गया और फ्यूचर में क्या दिया जाएगा पाकिस्तान। ऐसा होता है कि देखिए हम लोग तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी देते रहते, हमारा काम ही वो है, आज स्पेशली क्या था कैंसर जैसा ये जो बीमारी है बहुत संदिग्ध बीमारी होती है, इसको काफ़ी गंभीरता से देख के चलना पड़ता है, आज हमने यहाँ उनको स्पेशली ये चाहिए कि हमारे साथ रतन टाटा जी के बर्थडे के माध्यम से दो निवाला खाए, हमने उनको फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स होता है जो वो हमने उनको दिए, फ्रूट में मतलब अच्छा पैकिंग करके हमने दिया ताकि उनके पास थाली भी रहे जो खुद की रहे जिसमें चम्मच कटोरी वगैरह होती है, उनको आज ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में बर्थडे होता है रतन टाटा जी का, तो ठंडी में उनको हमने चद्दर गिफ्ट की है और जो भी मेडिसिन की हेल्प है वो मेडिसिन की हेल्प हमने की या। फ्यूचर प्लान कैसे होता है कि देखो सिर्फ कैंसर पीड़ित ऐसा नहीं, अलग अलग तरीके के बीमार वाली, जैसे मैडम ने कहा कि शुगर की भी बीमार के भी काफ़ी लोग हैं, कर्क रोग जैसे कैंसर बोलते हैं ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो अलग अलग बीमारी के लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, जो हमसे जैसे बन सकता है जो भी बन सकता है हमारे योगदान के अनुसार वो हम उसको करने का प्रयास करते रहते हैं। रमेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, लंबे अरसे से आप इवेंट से जुड़े हुए हैं,
आज का अगर शेयर करना चाहे आपका व्यू तो क्या शेयर करेंगे आज इस अवसर पर, और दादा को खास करके कितना केरवी जी को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वो उनका अलग ही सोच के व्यक्ति हैं वो, और हमेशा कुछ दूसरों से हट के ही सोचते हैं। उन्होंने पहले हम काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं जिनके ऊपर उन्होंने हेलीकॉप्टर से बच्चों को घुमाया है, जो ओल्ड हैं उनको घुमाया है, आज कैंसर पेशेंट्स के लिए उन इतना बड़ा जो किया है, तो उनके लिए मैं यही दुआ करूंगी कि बस उनको जल्दी जल्दी ठीक करें और इनको भी अच्छी स्वस्थ और बेअरुपता की दाद। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसके नाम से कितने परिवार चलते होंगे, अनगिनत परिवार चलते होंगे, ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है। और के रवि जी ने जो ये बीड़ा उठाया उनका जन्मदिन मनाने का, और वो भी कैंसर पेशेंट्स को कुछ उपहार देके, उनके ज़रूरत के चीज़ों को देके, ये सोच के रवि जी का मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से। और आप लोग के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के रवि जी ने ये सोच रखा है कि उद्योगपति जो भारत में हिंदुस्तान को बनाने में जो एक ईंटा रखने का काम किया है, परिवार को जोड़ने का काम किया है, परिवार को रोजगार देने के काम किए, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें सम्मान देना चाहिए, ये सम्मान देने का ही दिन है। और इसके लिए मैं के रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ भाई और बहनें और कैंसर पेशेंट हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार फाउंडेशन नाम का एक संस्था है जो पैरेलल टू बिहार गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी कैंसर पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद मिलता है। आप लोग निश्चित जाएँ, यहाँ मुंबई में BKC में टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे में उनका ऑफिस है, वहाँ पर हर प्रकार का सहायता मिलेगा। और मेरे से भी, मैं भी थोड़ा समाज सेवा करता हूँ, और मैं समाज सेवा करते में ये भी विश्वास रखता हूँ कि किसी प्रकार का भी अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी के रवि जी को, मैं हरदम उनके साथ रहूँगा, ये पूरा विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ, मैडम हमारे यहाँ यही जहाँ बैठे वहाँ के जिला अध्यक्ष है, के रवि मेरे काफ़ी पुराने 20 साल के दोस्त हैं, और ये जो उन्होंने कार्यक्रम किया इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले एक मतलब कि रतन जी टाटा जो हिंदुस्तान के स्वतंत्र के पहले और स्वतंत्रता के बाद दोनों समय तक, आज तक वो जो टाटा ग्रुप है, टाटा इंडस्ट्रीज है, एक नंबर है, और उनका आज 81th बर्थडे उन्होंने मनाया। और सेकंड थिंग कि कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधा है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। एक डेलीगेशन सम्माननीय रवि साहब के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे, क्योंकि 30 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार है, और उसी समय जो विस्तार में 30 तारीख के बाद हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री जो रहेंगे उसको जाके हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा, उसके पहले हम लोग बैठेंगे और क्या 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 सुविधा है उसके बारे में हम लोग पहले सोचेंगे और उनके सामने पुटअप करेंगे, और एक लगभग एक महीने का समय देंगे, और उसके बाद हम लोग CM साहब को मिलेंगे, सम्मान्य शरद चंद्र जी पवार साहब को भी हम लोग अपने माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़े जानकार हमारे वो लीडर है, और उनसे भी हम लोग कहेंगे कि आप भी ज़रा मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करो, उद्धव जी भी मतलब इसमें ध्यान देंगे, और सारा एक कुछ करके जहाँ के अभी हमने देखा कि कलकत्ता से लोग आ रहे, बिहार से आ रहे, UP से आ रहे, महाराष्ट्र से तो लोग आते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, कोई ना कोई तो यहाँ रिलेटिव होता है, तो उनकी सुविधा हो जाती है। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम देखा कि हम लोग भी वहीं रहते हैं, सायन कोलीवाड़ा साहब भी हम लोग बचपना वहीं गया, तो KM हॉस्पिटल के बाजू में जो टाटा हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग आज भी देखे तो फुटपाथ पर रहते हैं, तो वहाँ पर उनका घर होता है। कश्मीर से कोई लोग आते हैं, कई लोग श्रीनगर से भी आते हैं, कहाँ कहाँ से आते, लेकिन उनको घर की सुविधा नहीं रहती, तो उसके बारे में विषय उनके लिए क्या करना है, क्योंकि उनके रिलेटिव सभी के यहाँ पे नहीं रहते, तो उसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में एक एजेंडा बना के कुछ पॉइंट्स रख के हम लोग सामने जाके जो भी आरोग्य मंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री साहब है,
उनको जाके मिलेंगे और साहब को हमारे मिलेंगे और फिर सारी बातें उनके पास रखेंगे। जिले में जी 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 मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सुरैना रानी मल्होत्रा। और मैं एज अ पॉलिटिकली, इन्होंने जैसे बोला कि ये जो सब चीज़ें हैं जो कैंसर पेशेंट्स को जो अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनको सब उनके रिलेटिव्स को सुविधा मिलनी चाहिए, इसका फॉलोअप हम हमारे पार्टी से, मुख्यमंत्री साहब से, सबके एक हमारा डेलीगेशन बना के हम लोग वो तो करेंगे ही। मगर एज अ डॉक्टर मैं एक बोलना चाहती हूँ कि कैंसर के लिए अवेयरनेस, ये अर्ली साइंस ऑफ कैंसर डिटेक्शन, मतलब जो जल्द से जल्द तुरंत जो पता चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सब लोगों में जानकारी फैलाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बनती है कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसका प्रोलिफरेशन होता है, उसका ग्रोथ होता है, वो किसी भी वजह से होता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है, वो कैसी है, और कुछ भी थोड़ा भी, थोड़ी सी भी चीज़ है जो कुछ हटके अलग से दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली मैं महिलाओं की जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो मैं लेडीज़ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को देखिए, अपने आप को बहुत बारीकी से देखें, अपने बच्चों को देखें, हस्बैंड को देखें, कि ना कि खाली आईने में अपना चेहरा ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए देखिए, मगर चेहरे में, अपने बॉडी में क्या फ़र्क हो रहा है, इसकी जानकारी रहे। एक 50 साल के बाद मैमोग्राफी करें, सब ट्रीटमेंट लें, सब जांच करें और सतर्क रहिए। छोटी सी छोटी चीज़ हमें लगती है चलो खांसी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार आया है, कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज न करके तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। भले कुछ नहीं होगा मगर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू जी। विशेषता है कि आज जिस तरीके से रतन टाटा जी का बर्थडे है, उसी तर्ज के ऊपर आज रिलायंस के धीरूभाई अंबानी जी का भी बर्थडे है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं। हम अपनी तरफ से, इस देशवासियों की तरफ से, हमारे राज्य के, हमारे शहर की तरफ से, या जितने भी आवाम मौजूद है सबकी तरफ से, उनको भी तहे दिल से, हम धीरूभाई अंबानी को, रिलायंस को तहे दिल से बधाइयाँ देते हैं। साथ ही मैं आज का, मेरा एक इवेंट का थोड़ा सा थीम हाई लेवल का था, वो शायद रतन टाटा जी को पसंद ना आए, लेकिन मेरी सोच थी कि मैं उसको जानबूझकर करूं। मैंने जैसे बताया कि मैं आम से आम आदमी को हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाता हूं, और मैंने किया है। तो आज फिर मेरा मानस था कि मैं कैंसर से पीड़ित जो एजड लोग हैं, एडॉप्टेड लोग हैं, उनको हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाऊँ, और मैं 20 सालों से ये करता आ रहा हूँ। लेकिन होता गया कि पिछले कई सालों से हमारे मुंबई शहर में, स्पेशली मुंबई में, जिसको हम सुरक्षा बोलते हैं, सुरक्षा को सपोर्ट करना आम आदमी का काम है, हमारा भी फर्ज बनता है। अजय कब आए तुम? अरे देखा है रे तुम, बैठो बैठो बैठो। जिसको हम सुरक्षा बोलते हैं, वो सुरक्षा के माध्यम से अननेसेसरी लोगों को पीड़ने का प्रयास किया गया। जैसे कि हम लोग जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, कई लोगों को वहां ले जाके हम लोग इवेंट्स करते हैं, पर बैड लकीली क्या होता है कि अंदर हमारे मीडिया के कैमरा जाने ही नहीं देते, सुरक्षा का मसला बताया जाता है। ठीक है ना, सुरक्षा अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, पर हम आतंकवादी लोग थोड़ी, हमारा तो प्रोफाइल है। तो भाई मीडिया को जांचो, समझो, उनको पास दो, और एक नहीं 100 मीडिया अंदर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। उसकी वजह से हम अच्छी अच्छी चीज समाज में पनपा नहीं सकते। लेकिन हमारी राज्य की सरकार थोड़ी सी चेंज हो गई है, अच्छी बात है, फक्र की बात है। मैं राज्य की सरकार को विनती करूंगा सुरक्षा के, तो सुरक्षा की जहां जहां जरूरत है, सपोर्ट है, वहां हम भी आपके साथ में है। पर इतनी भी ऐसी सुरक्षा मत रखो कि जहाँ अच्छी चीज पनपनी हो नहीं पनप पाएगी, और उससे जो रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, वो रेवेन्यू रुक जाता है। तो कम से कम एयरपोर्ट के अंदर मीडिया वालों को जाने की अनुमति दी जाए। इसके लिए मैं सिर्फ सरकार को ही नहीं, मीडिया वालों से भी कहूँगा, जिस जिस जगह पे आप लिखते हो, कवरेज करते हो, तो कम से कम मुंबई में जू एरोड्रम जो है, पवन हंस है, वहाँ के जाके अधिकारियों को आप जगाओ।
कि भाई मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाना दिया जाता है। अब मेरी पहचान है तो मेरी पहचान से मैं दो चार लोगों को अंदर लेके जा सकता हूँ, पर दो चार मीडिया नहीं होता है ना, मीडिया मीडिया होता है, वो सौ सैकड़ों में होती है, तो सैकड़ों नहीं यार, कुछ लोग तो जाने दो। तो उसकी वजह से आज का हमारा हेलीकॉप्टर का सब्जेक्ट जो था एडॉप्टेड कैंसर पीड़ित लोगों को लेके करने का, वो हम लोगों ने अचानक कल लेट नाइट ड्रॉप कर दिया, वरना वो आज हमारा सुबह का प्रोग्राम था और ये रात का था। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुहार है कि कम से कम सुरक्षा इस तरीके की हो कि जहां आम आदमी को तकलीफ ना हो। नो डाउट वो हेलीकॉप्टर का एरिया है, एविएशन का जगह है, अच्छी बात है, हम भी जानते हैं, पर यार लोगों को आई कार्ड देखो, उनकी पहचान देखो, आधार कार्ड में तो सारी कुंडली रहती है आज के तारीख में, वो देखो पास भरा कि उनको अंदर भेजो। वहाँ इतनी सिक्योरिटी टाइट की है कि मीडिया का कोई बंदा अंदर जा ही नहीं सकता, तो हम वहाँ इवेंट करें कैसे? अगर हम इवेंट नहीं करते तो जो हमारा सर रेवेन्यू उनको जाने वाला है वो रेवेन्यू लॉस हो जाता है। कम से कम इसके बारे में सरकार भी सोचे, मीडिया भी सोचे, और फिर एक बार रतन टाटा जी के साथ साथ धीरूभाई अंबानी जी को हम अपनी तरफ से इस अनमोल दिन में उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। या